बंडे का मीट यानी कि सुअर का मीट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में पोर्क कहा जाता है, आज आपको लेके आए हैं रांची की एक आदिवासी साप्ताहिक मार्केट में। मार्केट में आते ही आपको मिलेंगी विभिन्न प्रकार की चीज़ें, यहाँ देख पा रहे होंगे आप वीडियो में। और सुअर का मांस यहाँ का सबसे फेवरेट है, जो लोग यहाँ पर बड़े चाव से खाते हैं। आपको आज यही हम इस वीडियो में दिखाएंगे। मार्केट में आती आपको मिलेगी ये टर्की और इसके चूजे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो देखने में काफी प्यारे लग रहे होते हैं। अब गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, अच्छा मुर्गी है, 7 किलो से 10 किलो होता है। तो इसका भी मतलब बनता है, मीट बनता है, कितने किलो का होगा ये? होता है 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो ऐसे। अच्छा, और इसके ये बच्चे ये छोटे छोटे हैं चूजे? संडे है, सुबह से काम पे नहीं गए हैं, बस खाए पिए लगे हुए हैं। मतलब फुल एंजॉय? फुल एंजॉय। ये आपका बंडा हो गया, ठीक है। कैसे मिलता है ये? 300 रुपए केजी मिलता है। 400 रुपए का कितना बनता है? 400 रुपए का एक किलो। फूल होता है, फल होता है, फूल होकर उसमें फल लगता है ना, गिरता है गर्मी का समय में। अच्छा, तो उसको रखता है, फिर बरसात का समय में निकाल लेता है, बेचता है। तो पेड़ से जैसे गिरता है उसको रखता है, और रख के उसको सुखा के स्टोर में रखता है, स्टोर से देता है दुकान में, सप्लाई करता है। फिर उसी को हम लोग खरीद करके ला के उसको बनाते हैं, जैसे चावल वगैरह कैसा होता है उसी टाइप का। दस का देते हैं इससे, और 30 का देते हैं इससे, बड़े वाला से इससे, और 30 का देते हैं लिखे इससे, पूरा बोतल भर के, पूरा बोतल भर के 60 करके देते हैं, 60 रुपए का। तो आइए जानते हैं कि सुअर को कैसे मारा जाता है। देख रहे होंगे आप इसको, पूरे के पूरे सुअर को आग से जलाया जा रहा था, और जलाने के बाद इसको पानी के साथ वॉश किया जा रहा होगा। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि इसको मारा कैसे जाता है। सोच के देखो जरा, सुअर को मारा कैसे जाता है। देखो अब इसको काटा जा रहा है यहाँ से। इसको फ्रेश किया जाएगा, उसके पेट से जो भी सारा सामान निकाला जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे ना आप यहाँ पे, ये मीट के टुकड़े हैं सुअर के मीट के, और इनको काट काट कर अलग रखा हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गर्दन का टुकड़ा है, जो सुअर का मीट होता है उसकी गर्दन का टुकड़ा है। और ये दिखाया जा रहा है जो ये सीने का टुकड़ा है, जिसको पसलिया भी कहा जाता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, जो अपनी पसंद से छांट छांट कर लेके जा रहे हैं इस मीट को। और करीबन ये 300 रुपये किलो बताया जा रहा है। जो यहाँ के कसाई हैं, ये बड़े ही खूंखार तरीके के लोग होते हैं इस सुअर को मारने के लिए। दोस्तों ये सुअर के दिल पर जिंदा, जी हाँ, जिंदा सुअर के दिल पर ये वार करते हैं। उसके दिल में कुछ ऐसा जो भी नुकीला सामान घुसो देते हैं, और दिल काम करना बंद कर देता है और वो मर जाता है। इस तरीके से जब वो सुअर मर जाता है, तो उसको फिर जलाया जाता है तेज, उसके ऊपर टॉर्च मारी जाती है जो फ्लेम वाली, और फिर उसके बाद उसको बना कर यहाँ काट पीट कर दे दिया जाता है। ये पीस आप सामने देख रहे होंगे सुअर के मीट का, ये आप देख रहे हो, इसमें स्किन दिख रही है आपको मोटी मोटी। देखो कितनी मोटी इसकी स्किन है, ये पसलियों का पीस है। और देखो अब इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये है जो लाल लाल दिख रहा है, ये है मांस इसमें। बाकी नीचे आप जो व्हाइट कलर का देख रहे होंगे, ये इसकी स्किन है सुअर की। और आप देख पा रहे होंगे कितने टुकड़े टुकड़े करके यहाँ रखा हुआ है इन लोगों ने। अब इसको काट कर ये छोटे छोटे पीसों में यहाँ से बेच देते हैं। यहाँ पर अनेक लोग आते हैं, और इसको जो आदिवासी खाने वाले इच्छुक होते हैं, वो यहाँ से लेते हैं और इसको लेकर चले जाते हैं। ये 300 रुपये किलो है, मानते हैं हम, बड़ा खतरनाक लगता है।